हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएससी के एक नई भर्ती के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल साइट पे। कौन सी वैकेंसी है तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका नोटिस ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। इस नोटिस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, जो देख रहे हैं आज के डेट 20 तारीख के डेट में यहाँ पर आया है। तो चलिए एक एक करके आपको क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कब से कब तक अप्लाई होने वाला है और कितना पोस्ट इस बार आया है, वो भी मैं नोटिफिकेशन में दिखाने का चेष्टा करूँगा। तो यहाँ नोटिस फाइनली डाउनलोड कर चुका हूँ, एसएससी के ऑफिशियल साइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में आप डेट देख लेते हैं, तो ये भर्ती देख सकते हैं। इसमें बोला है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्ज़ामिनेशन 2022 के लिए भर्ती है। इसका अप्लाई डेट आज यानी 20 तारीख आज से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है 5/9/2022, यानी करीबन 15 दिन तक ये फॉर्म चलने वाला है, 15 से 16 दिन। और इसका जो ऑनलाइन फीस पेमेंट आप कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ी 6/9/2022 और इसमें आप चालान से भी 6/9/2022 तक है। और अगर आप फॉर्म भरने के बाद कुछ गलत हो जाता है तो आप करेक्शन कब कर सकते हैं, तो 7/9/2022 यानी अगले महीना 7 तारीख को कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन इसका होगा CBT, वो नवंबर 2022 में होने वाला है, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार ही यहाँ पर आपके जितने भी वैकेंसी कैलेंडर में दिए थे उसके हिसाब से ही भर्ती आ रहा है। अब बात है कि टोटल यहाँ पे वैकेंसी कितना है, तो यहाँ पे बोला है कि द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हेल्ड ऑन ओपन कम्पिटेटिव कंप्यूटर एग्जामिनेशंस रिक्वायरमेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड बी। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बोला गया है कि वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसी पोजिशन विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो वेबसाइट देख रहे हैं इस पे आपको वैकेंसी की जो भी अपडेट होगी इसी पर देखने को मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में आपको वैकेंसी कितना आया है वो मेंशन नहीं किया गया है, ये आपको हो सकता है कुछ दिनों के बाद आपको इस ऑफिशियल साइट पे आपको वैकेंसी का अपडेट दे दिया जाए नोटिस के माध्यम से। उसके बाद है यहाँ पर कि आपका रिजर्वेशंस वगैरह जो होता है किसमें किसमें रिजर्वेशन होता है, तो SC कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और ST कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वगैरह जो होता है, OBC अदर बैकवर्ड, EWS एक्स सर्विस मैन वगैरह, उन लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे स्टेनोग्राफर यहाँ पे कोड दिया है, जैसे नेम ऑफ पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी या स्टेनोग्राफर ग्रेड डी। फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे S है, ST है, W है, BN, RN इतना, और यहाँ पे भी दिया है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद है फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मीनिंग भी दिया है कि एस का मतलब क्या होता है, ST का मतलब क्या होता है। तो S का मतलब सीटिंग होता है, ST का मतलब स्टैंडिंग होता है, और W का मतलब वॉकिंग, BN का मतलब बेंडिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सब आपका दिया हुआ, इसे आप लोग देख लेंगे। उसके बाद नेचर ऑफ फिज़िकल डिसेबिलिटी का अलग से दिया है, जैसे कि जो HH है, हैंडी है, हार्ड ऑफ हेयरिंग है, B है, ब्लाइंड है, LB है, लो विज़न वाला, जितने भी कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो इंडियन सिटीजन्स, नेपाल और भूटान के जो सिटीजन है, तिब्बत है, वो सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट दिया है स्टेनोग्राफर ग्रेड सी पोस्ट के लिए 18 से 30 साल, जनरल कैंडिडेट के लिए जो कि 1/1/2022 तक से आपका डेट एज काउंट किया जाएगा। और उसके बाद कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1992 और नॉट लेटर देन 1/1/2004, यानी 1/1/1992 से लेकर 1/1/2004 के बीच के जितने भी कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में दिया है 18 से 27 साल, जनरल, और यहाँ पे 1/1/2022 से एज काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022, और यहाँ पे 2/1/1995 नॉट लेटर देन 1/1/4 से, तो ये सब आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब बात है कि इनको छूट दिया जाएगा, तो ST के और SC ST को 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, OBC को 3 साल का छूट, PWD अनरिजर्व को 10 साल का छूट, PWD OBC को 13 साल, PWD SC ST को 15 साल और एक सर्विस मैन को 3 साल, यहाँ पे 3 साल दिया जाएगा। डिफेंस पर्सनल को भी 3 साल और डिफेंस पर्सनल डिसेबल को 8 साल।
उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल सिविलियन एम्प्लॉयज़ वगैरह हो तो उनका अलग से है, देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे काफ़ी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगेगा, तो क्वालिफिकेशन इसमें बोला एजेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 5/9/2022, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 5/9/2022 से पहले कम्प्लीट होना चाहिए। तो यहाँ बोला है कि कैंडिडेट्स मस्ट हैव 12 स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आप 12th पास आउट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद बोला है कि एज़ पर मिनिस्ट्री ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट नोटिफिकेशंस, नीचे की तरफ आएंगे तो ये सब दिया हुआ है। तो यानी 12th पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। उसके बाद कुछ बोर्ड्स के बारे में बोला है कि कौन कौन सा बोर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को, मतलब ओपन बोर्ड हो गया, ये सब डिस्टेंस लर्निंग ये सब के बारे में है जिक्र किया, देख लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो हाउ टू अप्लाई के बारे में बोला है। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फर्स्ट में तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑफिशियल साइट पे जाके, और इसमें आपका जो फोटोग्राफ लगने वाला है 20 से लेकर 50 KB के बीच में, और आपका जो सिग्नेचर वगैरह है उसका भी यहाँ पर फोटो शूट विदाउट कैप एंड स्पेक्ट्रल, यानी बिना चश्मे के बिना तो कैप के फ़ोटो आपका होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात की गई है यहाँ पे 10 से लेकर 20 KB के बीच में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। और यहाँ पे अप्लीकेशन का लास्ट डेट तो पता है कि 5/9/2022 तक है, उसके बाद यहाँ अप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। तो किसका लगेगा, तो अप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपीज़ लगेगा, मेल कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट OBC और EWS कैंडिडेट है उनका लगेगा, और जो फीमेल कैंडिडेट है STSC है जो मेल फीमेल दोनों ही, उन लोगों का कोई नहीं लगना है। जैसे यहाँ पे बोला है वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ST SC ST पर्सनल डिसेबिलिटी PWD एक सर्विस मैन वगैरह है, उनको कोई फ़ीस नहीं लगने वाला है। और फीस यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे विंडो अप्लीकेशन करेक्शन के बारे में बोला है, तो करेक्शन पहले ही बोला कि 7/9/2022 से करेक्शन होगा, अगर आप इसमें कोई गलती कर देते हैं तो ऐसा कहें कि गलती मत कीजिए, तो गलती अगर हो जाता है बाई चांस तो आप करेक्शन का मौका दिया जाता है। अब है एग्जामिनेशन सेंटर की बात, तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे सभी का दिया है, जैसे कि सेंट्रल रीजन में देख सकते हैं बिहार एंड उत्तर प्रदेश, इसका इतना सारे सेंटर है देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न रीजन का भी दिया है जिसमें अंडमान निकोबार्स आईलैंड आइसलैंड और आपका झारखंड उड़ीसा और सिक्किम वेस्ट बंगाल वगैरह आता है, उनका इतना सेंटर दिया हुआ है। उसके बाद है कर्नाटका का, उसके बाद मध्य प्रदेश रीजन का, सभी का यहाँ पे सेंटर बताया गया है। आप लोग सेंटर अपना हिसाब से 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करना पड़ता है फॉर्म भरने वक्त। अब बात है कि इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इसका क्या पैटर्न क्या है, तो डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होगा उसमें इंटेलिजेंट रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 50 questions रहेंगे 50 marks का, जनरल अवेयरनेस 50 questions 50 marks का, और यहाँ पे जनरल लैंग्वेज एंड कैम्प्रीहेंसन 100 questions 100 marks का। तो इसमें मैथ्स नहीं पूछा जाता है, सिर्फ रीजनिंग जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंसन पूछा जाता है। टोटल यहाँ पे 200 marks का 200 questions आपको देखने को मिलेंगे, और टोटल टाइमिंग 2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आप 2 घंटा 40 मिनट लेते हैं किसके लिए, तो जो जैसे कि एलिजिबल फॉर Para 7 और Para 7B में जो फिजिकल हैंडीकेप्ड वगैरह हो तो उनके लिए 40 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का, यानी 4 गलत करने पर यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि यहाँ पे 4 गलत करने पर यहाँ पे 2 नंबर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर का सब क्वेश्चन है, तो यानी 4 गलत करने पर 1 नंबर यानी 0.25 का है। उसके बाद है यहाँ पे आपका सभी का सिलेबस प्रॉपर दिया है कि जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक है, सभी कुछ यहाँ पे दिया है। जनरल अवेयरनेस का भी सेम यहाँ पे टॉपिक दिया है, टॉपिक वाइज आप लोग को बताया गया कि कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशंस का दिया है, जैसे सिनोनिम है एंटोनिम है करेक्ट यूजेस है राइटिंग एबिलिटी शुड बी टेस्टेड, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये सब दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी का यहाँ पे बोला गया है, जो कि आप लोग देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में भरते हैं, अगर इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं, तो आपको 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा ड्यूरेशन, और यहाँ पे टाइपिंग ड्यूरेशन मिनट फॉर एलिजिबल
अगर पैरा 7 और पैरा 7B के तहत PWD वगैरह में आते हैं तो 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा आपका स्पीड होना चाहिए। अगर हिंदी में टाइप करते हैं तो 65 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड वगैरह जो दिव्यांग वगैरह होते हैं उनका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में इंग्लिश में टाइप करते हैं तो 40 मिनट का टाइमिंग, अगर स्टेनोग्राफर सी हिंदी में टाइप करते हैं तो 55 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये ओवरऑल टाइमिंग बताया गया है और आपका जो स्पीड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, वो भी उसमें त्रुटि वगैरह आपको कम ही करना है। उसके बाद बोला है कि इसमें बताया है कि टाइपिंग का कुछ फॉर्मेट बताया है यहाँ पे कि जैसे कि कैंडिडेट हु ऑप्टेड टेक द स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी, तो यहाँ पे आपको विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट फेलिंग विच देयर प्रोविजन मे नॉट बी क्लियर बाय अपॉइंटेड डिपार्टमेंट कैंडिडेट हैव टू वर्क एज इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर एज पर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज़र ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पे मीडियम के बारे में बोला है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों में जो चाहे आप कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किल टेस्ट, तो यहाँ पे आपको बोला है कि द स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड एट कमिश्नर रीजनल ऑफिसर्स एट द अदर सेंटर्स मे बी डिसाइडेड बाय द कमीशंस। ठीक है, डिटेल यहाँ पे पूरा दिया हुआ है स्किल टेस्ट के बारे में। उसके बाद है एडिशनल एग्जामिनेशंस वगैरह का बारे में नोटिस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन बोला है, तो मोड ऑफ सिलेक्शंस में देख सकते हैं कि यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब जनरल का 30% और OBC EWS का 25% और SC ST का 20% से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शंस वगैरह दिया नेक्स्ट 1, 2, 3 करके यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। तो यही इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।